जे सत्य है कि जे जानने के बाद कि तू दूसरी नारायण का अवतार है, मैं तुझे भगवान की तरह ही देख पाऊंगी, पर मेरे हृदय की जो ममता है ना, वो भक्त से कहीं अधिक है लल्ला। फिर चाहे तू साधारण बालक हो या श्री नारायण का अवतार, तू सदैव ही मेरा लल्ला है, मेरा लल्ला था और सदैव ही रहेगो। यशोमती मैया का नंदलाला, यशोमती मैया का नंदलाला। वृंदावन से पत्र आया है महाराज, विनती की गई है कि इसे आपके सामने पढ़ा जाए। पढ़ो। शीघ्र करो। महाराज कंस, पूजा के लिए आपको 1 कोटि कमल पुष्पों की आवश्यकता थी। वृंदावन वासियों की ओर से मैं आपको 3 कोटि पुष्पों की भेंट भेज रहे हूँ। कृपया अतिरिक्त पुष्पों को अपनी गोप प्रजा की विनम्र श्रद्धांजलि समझकर स्वीकार करो महाराज। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि जैसे ही मेरा पुत्र कृष्ण कालिया नाग के सामने पहुंचो, वो महाभयंकर नाग भी आपके भय से कांप उठो और स्वयं ही जे सभी पुष्प हमारे द्वार पे पहुंचा गो। यदि आपको अब भी आवश्यकता हो तो और भी पुष्पों का प्रबंध किया जा सकता है। आपका विनीत गोप राज नंद। हमारा संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है विष्णु अवतार। यशोमती मैया का नंदलाला, पत्र में लिखा है महाराज, उसे इसी नाम से बुलाया जाना प्रिय है। जैसे आपने कही वैसे करो। हमने कंस के राजभवन को पुष्प से भर दियो है। मुझे तो ऐसा लग रही है इतने पुष्प देख के कंस को चक्कर आ जाएंगे। आपका पत्र पढ़ के उसे जे समझ में आगा होगो कि वृंदावन वासियों से उलझना ठीक ना है उसके लिए। वैसे ही हमारे श्री कृष्ण हमारी रक्षा करने के लिए है ना। सूर्यास्त होने वालों है, हमें अब घर चलना चाहिए। मुझे बहुत थकान लग रही है नंदराज। हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। नंदराज, कमल पुष्पों को गाड़ी में लादकर मथुरा पहुंचाने में अब हम भी बहुत थक गए। तो आप सब लोग रात्रि को यहाँ रुकना चाहते? वैसे सुझाव तो अच्छा है नंदराज। अब कालिया नाग के स्थान से जाने के बाद प्रकृति कितनी खिल उठी है, क्यों यशोदा जी? सब सामान्य है, जे जान के भी कि कान्हा भगवान नारायण का अवतार है, किसी को कोई अंतर ही ना पड़ रहा है, तो फिर मेरा मन क्यों अटको है अभी तक? क्यों बार बार मैं इस दुविधा में पड़ जाती हूँ कि कान्हा को एक भक्त के जैसे देखूं या मैया के जैसे? ऐसा इसीलिए है मैया, क्योंकि ना तो आपकी भक्ति में कोई कमी है और ना ही ममता में। तो फिर ठीक है, आज हम यही रात बिताएंगे, सब लोग विश्राम करिए। जय उल्लाबाद। रात वन में भयभीत क्यों हो रहे हो बसंता? श्री नारायण का अवतार कान्हा है ना हमारे साथ। यह
लगता है कोई मैया को भूलने ही नहीं देगा कि मैं नारायण का अवतार हूँ। तुम्हें पूर्ण विश्वास है ना गुप्तचर? ये सब कुछ उसी बालक ने किया है। उसी ने कालिया को पराजित करके यहां से दूर भेज दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। और वृंदावन के सभी वासी इस समय वन में विश्राम कर रहे हैं, ये सूचना पक्की है। वो सब पूरी रात वन में ही बिताएंगे महाराज। मेरी रातों की नींद छीन कर वो वन में आनंद कर रहे हैं। किंतु मैं उनके इसी आनंद को मृत्यु के करुण रूतन में बदल दूंगा, उनके चारों ओर प्रकाश होगा सूर्य की चमक जैसा, आंखें चौंधिया देने वाला प्रकाश। किंतु फिर भी ये रात उनके लिए सबसे अधिक काली होगी, क्योंकि मैं इस पूर्णिमा की रात को अमावस्या की रात बना दूंगा। कभी ना समाप्त होने वाली अमावस्या। भाभी देखो, वन देवी प्रसाद के लिए जे केले लाई हूं मैं। हाँ दिखा तो, इसमें से पके केले कान्हा के लिए चुन लेती हूँ। पर वो तो नारायण का अवतार है, उसके लिए फल कैसे चुनूं मैं? जो उसके हाथ में आएगो अपने आप ही मीठा हो जाएगा। भाभी क्या होगा, रुकी हो गई? कछो ना, दिखा। कान्हा तुझे भूख लगी आई होगी ना? मैया खिलाओ ना। अच्छा ले। मैया के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। कान्हा, बंसी काका हम सबको वन में आग जलाना सिखा रहे हैं, ताकि भयानक पशु को दूर करा जा सके। मैया मैं जाऊं? मैया अग्नि जलाने जाऊं? हाँ जा। मैया तो चुपचाप जाने दे रही है, पहले जैसे चिंता भी नहीं कर रही है अब। लल्ला सुन, अग्नि के साथ खेलियो मती और सुरक्षित दूरी बना के रखियो, समझ आई? Thank you.
स्वयं को प्रकट करो दावानल। प्रणाम महाराज। महाराज कंस, इस कारागार से मुक्त करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, इस उपकार का ऋण कैसे चुकाऊं? बस वही करो दावानल, जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। अपने नाम को स्वयं सार्थक करो। जला दो, पूरे वृंदावन को जला दो। कीट, पशु पक्षी, वनस्पतियां, वृक्ष, यहां तक के मानव भी, कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं बचना चाहिए। जला दो सबको, सबको। आपकी आज्ञा ही मेरी इच्छा है और आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा। तुम सबने देखो अजय, अधिक कठिन ना है ये। दो पत्थर हाथ में पकड़ ले, ऐसे रगड़ लो, है चिंगारी निकलेगी, घास फूस अग्नि पकड़ेगी और भक्क से जल जाएगो। लो करो, लो सुबल। तू भी प्रयास करके देख ले, पर जितना सरल जय कह रहे थे उतना सरल ना है अग्नि जलाना। ये तो श्री नारायण का अवतार है, संसार की सारी अग्नि इसके नियंत्रण में है, तो फिर एक चिंगारी उत्पन्न करना कौन सी बड़ी बात है। ऐसे तो मैया मुझे धीरे धीरे अपना लल्ला मानना ही भूल जाएगी, ये उचित नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। कान्हा ऐसे मत करो, लग जाएगी। कान्हा संभाल के, ध्यान कहाँ है तेरो? कालिया नाक का हलाहल जैसा विष जिसका कछु ना बिगाड़ पाई, जिस साधारण सी अग्नि उसे हानि कैसे पहुंचा पाएगी? मेरी ममता बार बार चिंता करने पे विवश कर देती है मुझे। भूल जाती हूँ मैं कि चे तो श्री नारायण का अवतार है। यही तो मैं चाहता हूँ मैया। आ मैया! कान्हा, कान्हा, दिखा, दिखा, कहाँ लगी? बोला था ना अग्नि से दूर रहने, दिखा। चले का चिन्ह ना है। मेरे साथ खेल खेल रहा है जे, इसे पता है कि इसकी पुकार सुनते ही मैया ऐसे ही दौड़ी चली आएगी। मुझे नटखटपना बंद कर काना। यशोदा आ जाओ, कान्हा को भी बुला लो। आपको तो पहले से पता था ना कान्हा के बारे में? वो
यशोदा काना ने मुझसे वचन लिया। ना ना, मैं आपको ताना ना दे रही, मैं तो बस ये सोच रही थी कि आप अपने आप को कैसे समझा पाते हो ये जानते हुए भी कि वो श्री नारायण का अवतार है, आप उसके साथ सामान्य व्यवहार कैसे कर पाते हो? क्योंकि मैं भी अपने लल्ला के साथ सामान्य व्यवहार ही करना चाहती हूँ, उसे वैसे ही देखना चाहती हूँ, उसके साथ लाड करना चाहती हूँ, उसे डांटना चाहती हूँ, फटकारना चाहती हूँ, पर मुझे बार बार उसमें मेरे प्रभु दिखने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है यशोदा, पर जब मैं ये स्वीकार कर लेता हूँ कि जय हमारा लल्ला है, तो मैं भूल जाता हूँ कि जय श्री नारायण का अवतार भी, उसके बाद सांसारिक माया मुझे अपने अंदर जकड़ लेती है। यशोदा, तुम्हारे साथ भी कछु ऐसा ही होगा, संसार की मोह माया तुम्हें खुद में जकड़ लेगी और तुम जब भूल जाओगी कि वो भगवान का अवतार, और सच्ची कहूं तो मैया की ममता के आगे कोई भी माया ना टिक सकती। सबसे बड़ी होती है एक मैया की ममता। पर भक्ति का भाव भी कम प्रबल ना हो तो है जी? मेरे हृदय में ममता और भक्ति के बीच युद्ध चल रहा है, मुझे ना पता कौन सा भाव जीतेगा और कौन सा हारेगा। इसका अर्थ है कि मुझे कुछ भी ऐसा करने से स्वयं को रोकना होगा, जिससे मैया के मन में भक्ति का भाव प्रबल होकर हिंसा से जीत जाए। तो फिर ध्यान रखना काना, अब सबके सामने कोई लीला मत कर देना तुम। वो देखो, वो वहां बैठे हैं सब कोने में। किसी भी कोने में क्यों ना छिपा हो, आज तो जलेगा पूरा वृंदावन ही। मुझे फैला दो यहां और फिर जाओ महाराज कंस को सूचना दो कि उनका कार्य हो गया है। महाराज का आदेश स्मरण है ना, वृंदावन का कोई भी आदमी आज जीवित नहीं रहना चाहिए। अग्नि को जलाना मत सिखाओ, जाओ मुझे अपना कार्य करने दो। था ना कि मैं कोई लीला ना करूं, पर देखो कंस मामा ने असुर वृंदावन को भेज दिया है। दावानल और दात बन के अग्नि, अब क्या करोगे तुम? वही जो मेरे दाव क्या क्या सबके सामने ही ऐसा कछु ना करूंगा जो लीला लगे, पर सबकी दृष्टि से छुपकर तो कछु करना होगा दाव, इससे पहले कि दावन लल पूरे वृंदावन को लील जाए। पर काना करने क्या वालों है? मैया बात को सुला दो ना। आजा। लोरी गाओ ना मैया।
सब जन आके बंद कर लो, मैया लोरी सुना रही है। तो ये है तुम्हारी योजना? शीघ्र ही कुछ कीजिए, अन्यथा पूरा वन ही जल जाएगा। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। आज कोई नहीं रोक सकता मुझे। आज इस वन का एक एक दिन का जला डालूंगा। मुझे भूल गए दामनल, मैं तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं दूंगा। मैया की नींद में व्यवधान पहुंच रहा है, मुझे शीघ्रता करनी होगी। कुछ ही समय पहले बुझती हुई चिंगारी से घबरा गया था, अब इतने विशाल दावानल को निगल गया। फिर से गड़बड़ कर दी काना ने। समझाया था कोई लीला मत करना, तुम्हारी समस्या और बढ़ जाएगी। अब क्या करूं दाऊ? जब जब मैं इसे अपने लल्ला के रूप में देखने का प्रयास करती हूँ, मुझे प्रभु दिखते हैं। कैसे कैसे समझाऊं अपने आप को? मैया मुझे पता है आपने कहा था अग्नि के साथ मत्ती खेलना, पर अग्नि फैल रही थी। मुझे कछुआ कछु तो करना ही था मैया। क्यों प्रभु, क्यों छीन रहे हो एक मैया से उसकी ममता? मैं आपकी भक्त अवश्य हूँ,
पर उसके साथ साथ आपकी मैया भी बने रहना चाहती हूँ। आपको एक मैया बनकर दुलारना चाहती हूँ, फटकारना चाहती हूँ, डांटना चाहती हूँ। तो फिर डांटो ना मैया, फटकार लगाओ मुझे, दंड दो। कैसे कान्हा, तुझे देखते ही मुझे अपने भगवान दिखाई देने लगते हैं। मेरे मन में तेरे प्रति भक्ति के भाव जाग रहे हैं। मैया ऐसा मत ही करो ना, देखो मैं वो ही कान्हा हूँ जिसे आप ग्लोरी सुना के सुलाती थी, वो ही कान्हा हूँ जिसे अपने हाथों से माखन खिलाती थी। मैं वो ही कान्हा हूँ मैया जो भूल करता था तो आपकी दांड भी खाता था और आपसे दंड भी पाता था। मैया एक बार मेरी ओर देखो तो सही, मैं वो ही कान्हा हूँ जो आपकी पूछ बनके पूरे वृंदावन में घूमता था, जैसे चलना बोलना सब सिखाया आपने। पहले मेरा सत्य जाने बिना आप मुझे अपने लल्ला की तरह व्यवहार करती थी, अब मेरा सत्य जानने के बाद भी अपने लल्ला की तरह ही मुझे अपनाना होगा, क्योंकि मैं तो वही हूँ आपका कान्हा। प्यार करते हो तुम मुझसे, जब मैं तेरे भीतर भगवान का रूप देखती हूँ तो मैं भयभीत हो जाती हूँ कान्हा, ये सोच के कि तू मुझे छोड़ के तो ना चला जाएगा। कहीं गया भी तो सदैव आपके हृदय में ही रहूंगा, वही तो है मेरा असली निवास। लल्ला शीघ्रता कर, घर पहुंच कर झाड़ बुहारी भी करनी है। का होगा ये सब, हैर क्यों गए? ये सब क्या होगा? कल ही तो हम इस क्षेत्र की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे ना, और आज कछु बचो है तो बस चिंगारियां, भस्म का ढेर और विनाश का दृश्य। चिंता क्यों करती हो भाभी? जिसने इस वन को, हम सबको जलने से बचाए हुए, वही इसे फिर से हरा भरा कर देगा।
नंदराज, इस समय घर जाना सुरक्षित होगो? पूरा मार्ग जल गयो है। इन सुलगती चिंगरियों का ताप किसी बालक या वृद्ध के पांव में लग गयो तो? चिंता की कोई बात नहीं है बाबा, हम सब महर्षि गर्ग के आश्रम में जा सकते हैं, वहाँ सारी व्यवस्था हो जाएगी, वो यहाँ से देख दूर भी नहीं है। मुझे लगता है कि हम सबको ऋषि गर्ग के आश्रम जाना चाहिए, वहाँ चलकर कुछ समय उनकी सेवा करेंगे और जैसे ही अग्नि शांत हो जाएगी और वृंदावन जाने को मार्ग सुरक्षित हो जाएगा, हम सब वापस लौट चलेंगे। अच्छा विचार है। वही महर्षि गर्ग जिन्होंने मेरा नामकरण करा था। आज से तुम्हें सारा संसार जिस नाम से पहचानेगा, वो नाम है, वो नाम है कृष्ण कृष्ण, वो नाम है, वो नाम है कृष्ण कृष्ण, वो नाम है, वो नाम है कृष्ण कृष्ण। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना? महर्षि को संभालो काना, नहीं तो ये साक्षात प्रणाम कर देंगे तुम्हें। और तब छोटी बा को तुम्हारे भगवान होने की स्मृति फिर से आ जाएगी। भक्तों को भगवान के दर्शन मिलते हैं, मुझे तो साक्षात भगवान ही मिल गए। इस समय मैं भगवान नहीं बस आपका शिष्य हूँ ऋषिवर, स्मरण रखिए भगवान अपने भक्त के घर नहीं आए। आज एक पुत्र अपनी मैया के साथ एक महर्षि के आश्रम आया है। देखो तू इसे, ऐसे हृदय से लग रहा है जैसे कितने अच्छे से जानता हूँ। जानता हूँ मैया, बाबा ने कितनी बार बताया हो इनके बारे में कि कैसे मेरा नामकरण कर रहा था, इसलिए तो इतने विशेष है ये मेरे लिए। अच्छा ही है कि यशोदा जी भूल रही है, इसका लल्ला स्वयं श्री नारायण का अवतार। आप सभी का यहाँ आना बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आप आए हैं अपनी इच्छा से, परंतु मेरी इच्छा के बिना जा नहीं पाएंगे। आपके साथ समय बिताने आए महर्षि, इस
शीघ्र यहाँ से जाएंगे भी ना। लगता है काना के मस्तिष्क में कोई योजना है, कोई फिर से कोई लीला तो नहीं करने वाला ये। दाऊ को नहीं बताओगे? कौन सी बात दाऊ? चाकचूर क्यों तुम? कोई विशेष योजना बना रहे हो क्या? मैं कोई विशेष योजना कभी नहीं बताता दाऊ। जो होना होता है वो अपने आप हो जाता है। वैसे दाऊ योजना बनाओ भी क्यों? आज कुछ विशेष थोड़ी ना है। तो मेरा जन्मदिन इसके लिए विशेष अवसर नहीं है या फिर इसे स्मरण ही नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है? कितनी दूर फेंक दी, अब जाके लेके आनी पड़ेगी। बलराम, वहां खड़े क्या हो? आओ गिल्ली लेके आते हैं। चलो भी बारी है। नहीं नहीं, अब मैं खेलूंगा। क्या हुआ दाऊ, क्या देख रही हो? ऐसा लगा कि जैसे कोई था यहाँ। वरना दाऊ कोई ना कोई तो जीव जंतु होगा ही। छोड़ो ना, अब आपकी बारी, मार गिल्ली बल लगा के। हाँ हाँ, बलराम को खेलने दो, अभी अभी आया ना। यही हत्या की थी ना उसने मेरे भाई बकासुर की, और वो सारे बालक बड़े चाव से देख रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे उस मायावी की। मेरी बहन पूतना के हाथों से तो बच गए, किंतु अब मेरे क्रोध से, मेरे भीतर दहकती प्रतिशोध की अग्नि से, अब ना तो वो बालक बचेंगे और ना ही वो विष्णु अवतार। और भूलना मत, महाराज ने क्या कहा था, सीधे सीधे उस मायावी का सामना नहीं करना है तुम्हें, वो बालक बहुत चतुर है। पर है तो एक बालक ही, और एक नन्हा सा बालक क्या हानि पहुंचाएगा मुझ जैसे महाविशाल महाशक्तिशाली अघासुर को। पता नहीं तेरी मैया क्या क्या सोच रही होगी,
विवाह के समय एक दूसरे को वचन दिया था, कभी भी एक दूसरे से कछु ना छुपाएंगे, पर मैंने कितने वर्षों तक तेरे दिव्य होने की बात उससे छुपाई। कान्हा, तुमने ही तो कही थी कि मैं तुम्हारा सत्य तुम्हारी मैया को ना बताऊं, फिर तुमने स्वयं ही उन्हें अपने सत्य के बारे में क्यों बताया?